सिरपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पूर्व तथा उत्तर दिशा में 77 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। महानदी के दक्षिण तट पर स्थित प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था। श्री अर्थात लक्ष्मी और पुर अर्थात निवास, अर्थात वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का निवास। उत्खनन से प्राप्त अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह गुप्त काल का सर्वाधिक समृद्ध शहर था और दक्षिण कोसल की राजधानी थी। यहाँ के पांडुवंशी शासक स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के प्रति उदारता दिखाई और उनके मौलिक स्थापत्य शैली को कला के शाश्वत मूल्यों द्वारा उनके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को फलने फूलने दिया। सभी धर्मों के साथ यहाँ बौद्ध धर्म भी अपने चरम पर था। यहाँ बौद्ध धर्म के अनेक विहार मिले हैं, जिसमें तीवरदेव बौद्ध विहार मुख्य रूप से अपनी उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए विख्यात है। इस बौद्ध विहार का उत्खनन वर्ष 2003 में हुआ था। अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर इस विहार का निर्माण 6वीं शताब्दी में तत्कालीन सोमवंशी शासक तीवरदेव के काल में किया गया था, जो उसके भातृज हर्षगुप्त तथा पौत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में भी उपयोग में रहा था। भगवान बुद्ध के शब्द आज भी इन निशब्द भवनों के अवशेषों में गूंजते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से कई मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे को खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती। चीनी यात्री हिंगसांग ने 637 ईस्वी में दक्षिण कोसल की यात्रा वर्णन में लिखा था कि यहाँ का राजा क्षत्रिय कुल का है और बौद्ध धर्म के नियमों का अत्यधिक सम्मान करता है। यहाँ लगभग 100 संघारम हैं, जिसमें 10,000 से कुछ कम बौद्ध भिक्षु रहते हैं और धर्म चक्र का अध्ययन करते हैं। तीवरदेव बौद्ध विहार का द्वार अपनी सुंदर व अद्वितीय शिल्पकला के कारण भारत वर्ष में सभी बौद्ध विहारों से भिन्न है और अब तक प्राप्त बौद्ध विहारों में सर्वोत्कृष्ट है। यह बौद्ध विहार नालंदा के बौद्ध विहार से भी बड़ा है। इस विहार के प्रवेश द्वार पर विभिन्न कलात्मक दृश्यों को उकेरा गया है। पारंपरिक आकृतियों के अतिरिक्त जीव जंतुओं के माध्यम से पंचतंत्र की कथाएं तथा उस काल की जीवन शैली को दर्शाया गया है। यहाँ की कलाकृतियाँ कथा साहित्य, पौराणिक प्रसंगों तथा जातक कथाओं से परिपूर्ण है। पारंपरिक बैलों की लड़ाई का दृश्य उकेरा गया है, जो उस काल के लोक मनोरंजन के माध्यम को दर्शाता है। यह क्षेत्र जंगल में स्थित था, इसीलिए नील गाय को शिल्पकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। यह दृश्य पंचतंत्र की बगुले और केकड़ी की कथा का है,
यहाँ आम के पत्तों के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु को दिखाया है। जब सरोवर का पानी सूख जाता है, बगुला सरोवर सूखने के पश्चात सभी मछलियों को दूसरे पानी वाले सरोवर ले जाने की चाल में फंसाकर खा लेता है। अंत में वह केकड़े को ले जाता है। केकड़ा मछलियों की अस्थियों को देखकर यथास्थिति जान लेता है और बगुले की गर्दन अपने डंग से काटकर उसके प्राण ले लेता है। यहाँ शिल्पकार ने हाथियों को उकेर कर यह दर्शाया है कि यह क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से हाथियों को विभिन्न प्रांतों में भेजा जाता था। द्वार शाखा के सिरदल के अंतरंग में शिल्पकार ने गज लक्ष्मी को दर्शाया है और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के दृश्य को उकेरा है। यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अद्भुत समागम और तत्कालीन राजाओं की धार्मिक उदारता को दर्शाता है। विद्वानों के अनुसार यह तांत्रिक बुद्धिज्म को दर्शाता है, जहाँ सभी धर्मों का आदर होता है। यहाँ कलाकार ने पंचतंत्र की मगर वानर कथा को दर्शाया है। इस शिल्प में मगर अपने पीठ पर वानर को बैठाकर कपटपूर्ण उसके हृदय को अपनी पत्नी को खिलाने ले जा रहा है और चतुर वानर मगर की इस चाल से बच जाता है। इस शिल्पकला में सर्प मेंढक को कुएं के बिल से निकालकर ग्रस रहा है। पंचतंत्र की कथानुसार एक वृद्ध सर्प कुएं के भीतर रहने वाले मेंढक को खाने के बदले में मेंढक राज को अपने फन पर बैठाकर घुमाता है। सारे मेंढक भक्षण किए जाने के पश्चात वह सर्प राज को खा जाता है। यहाँ युगल के संबंध को मधुमक्खी के शहद की मिठास के माध्यम से दिखाया गया है। सभी दृश्यों में शिल्प कला को अलंकरण और कथाओं से प्रदर्शित किया गया है। सिरपुर में उत्खनित स्मारक स्थलों में तीवरदेव विहार के अतिरिक्त किसी भी स्मारक संरचना में जीव जंतु का व्यापक चित्रण नहीं है। महातीवरदेव विहार के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित कलाकृतियों का संबंध जातक कथाओं से है। यहाँ बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित है, जिसका उद्देश्य बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को बौद्ध धर्मानुयायी दर्शकों से परिचित करना है। यह शिल्पकला मूर्ति जो कि मुख्य द्वार के सम्मुख है, इसके छाती पर छिपकली को गिरा दिखाकर शिल्पकार ने उस काल में शकुन शास्त्र के प्रचलन को दर्शाया है। छाती पर छिपकली गिरना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। यह शिल्प उस काल के किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित है। आखेटक युगल का चित्रण अत्यंत रोचक है। आखेटक हाथ में धनुष बाण लिए और रस्सी से बंधे कुत्ते को पकड़े हुए हैं। बाई और गृहिणी हाथ में शिशु और सिर पर टोकनी लिए हैं। यह कलाकृति बौद्ध धर्म के प्रति ग्रामीण समाज के श्रद्धा और समर्पण को प्रदर्शित करती है। इस विहार के मध्य में स्तंभ युक्त सभा मंडप है, जिसके मध्य में जलकुंड है।
कुंड के चारों ओर प्रतिमाएं अलंकृत हैं। गर्भगृह में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। इसके स्तंभ चतुष्कोणीय हैं, जिसके चारों ओर दो मुख वाले तथा एक शरीर वाले सिंह का अंकन है। बुद्ध की मूर्ति जो ग्रेनाइट से बनी है और भूमि स्पर्श मुद्रा में चंद्रासन पर विराजमान है। भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध का ध्यान भटकाने के लिए कई प्रयत्न किए गए थे, पर अपने अटल विश्वास से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। बुद्ध की मूर्ति के दोनों ओर बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध बैठे स्थिति में दाहिने हाथ को घुटने पर रखकर उंगलियों को भूमि की ओर इंगित करते हैं। बौद्ध धर्म और दर्शन की विशिष्टता से शिल्पकार पूर्ण रूप से परिचित थे और बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का चित्रण करने में पूर्ण सफल रहे। पानी के कुंड में निर्मित शिल्पकला अद्भुत है। यहाँ दो अश्वमुखी यक्षिणियाँ मध्य में बैठे ध्यानरत युवक का ध्यान भटकाने का प्रयत्न कर रही है। युवक को साधना मार्ग से भटकाने का यक्षिणियाँ प्रयत्न कर रही है। महामंडप में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कमरे बने हैं। यहाँ रहकर वे धर्म चक्र का अध्ययन करते थे। ईंटों को पकाने के पूर्व उसमें भूसा मिलाया जाता था, जो पकाने के पश्चात वायुरंध्र निर्माण करता था, जिससे बाह्य ऊष्मा का आंतरिक हस्तांतरण नहीं होता था और कमरे का आंतरिक तापमान नियंत्रित रहता था। यह विहार दो मंजिला था और द्वितीय तल को मजबूती प्रदान करने के लिए आधार की दीवारें अधिक चौड़ी बनाई गई थी, जो ग्रीष्मकाल में भीतर से ठंडी रहती थी और शीतकाल में गर्म रहती थी। तीवरदेव बौद्ध विहार का विस्तार किया गया था, जिसके अवशेष वर्तमान में खंडहर स्थिति में हैं।
यह बौद्ध विहार तीवरदेव बौद्ध विहार के समीप स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 2003 में किया गया था। इस विहार के प्रवेश द्वार पर कला शिल्प के साथ नदी देवियों का अंकन किया गया है। महामंडप में जलकुंड है एवं महामंडप में फॉसिल स्टोन के स्तंभ हैं, जिस पर आज भी फॉसिल के टेक्सचर दिखाई देते हैं। ऐसा अनुमान है कि यह फॉसिल लाखों वर्ष पुराने होंगे। यहाँ चूना संग्रहण के लिए जमीन खोदकर बनाए हुए स्थान मिले हैं। उस काल में रंगलेपन के लिए चूने का संग्रह किया जाता था। आज भी इन स्थानों में चूना दिखाई देता है। यह विहार भी द्विमंजिला होगा। यहाँ पत्थरों से निर्मित सीढ़ियाँ मिली है। यहाँ भी बौद्ध शिष्यों के लिए कमरों के निर्माण किए गए थे। इस विहार के उत्खनन से प्रकाशित कला शिल्प अपने मौलिक कलात्मक रूप तथा आध्यात्मिक विषय वस्तु के साथ तारतम्य बनाते हुए प्रकट होते हैं। विहार में ज्यामितीय शिल्प अलंकरण जीव वस्तु के साथ नारी और पुरुष की प्रतिमाओं में सौंदर्य और अति इंद्रिय लावण्य से परिपूर्ण है। महानदी के तट पर स्थित सिरपुर का अतीत धार्मिक सौहार्द सांस्कृतिक विविधता शिल्प तथा वास्तुकला के संगम का अद्भुत उदाहरण था और अपने समय में उत्कृष्ट स्थिति में था। सिरपुर के स्थापत्य वैभव और कला को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण कोसल के धर्म ज्ञान विज्ञान और कला का सिरपुर तीर्थ स्थल है। दलाई लामा ने यहाँ दर्शन कर कहा था, वास्तव में आश्चर्यजनक है कि सिरपुर का इतिहास गौरवशाली है और मैं यहाँ से भगवान बुद्ध की यादें ले जा रहा हूँ।